हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस ज्ञान क्रिएटी चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार, मान पुरस्कार, विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, जो हर किसी एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे एक या दो नंबर में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले नोबल पुरस्कार, पहले जान लेते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले है नोबल पुरस्कार के बारे में, फिर चर्चा करेंगे रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार, फिर मान बुकर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार और ग्रेमी पुरस्कार। देखिए इतने सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार है और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा पुरस्कारों को लेकर आया हूँ जो अधिकतर एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नोबल पुरस्कार के बारे में। देखिए नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबल पुरस्कार। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं, उनकी याद में दिया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। उनसे उन्हें अपार संपत्ति, अपार धन हासिल हुई थी। उसी के ब्याज, उसके जो धन राशि को जहाँ इकट्ठा किए हैं उसी के ब्याज के ब्याज में जितनी भी इंटरेस्ट में जितनी भी धनराशि आती है उसे नोबल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को पुण्यतिथि, किसकी पुण्यतिथि? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल की पुण्यतिथि में स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, कौन से दिन? 10 दिसंबर को। नाम याद रखिए, 10 दिसंबर को। इसकी स्थापना स्वीडन में 1901 में की थी और इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर में की जाती है। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब की थी? 1901 में, और हर साल अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है कि किसे नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला भौतिकी क्षेत्र, सेकंड रासायनिक, थर्ड चिकित्सा, फोर्थ साहित्य, पांच शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र को 1967 में जगह मिली थी। देखिए जो अर्थशास्त्र, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अर्थशास्त्र शामिल नहीं हुई थी, उसके बाद 1967 में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया और 1969 में 169 में पहले नोबल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। चलिए आगे क्या है इसके बारे में देखते हैं। नोबल पुरस्कार प्राप्त भारतीय, देखिए हमारे भारतीय में कौन कौन नोबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार रिविजन करा देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, सी वी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, राजेंद्र पचौरी, कैलाश सत्यार्थी। तो सबसे पहले नोबल पुरस्कार कौन प्राप्त किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके साहित्य गीतांजलि नामक इनके गीतांजलि से इन्हें प्राप्त हुआ था। सी वी रमन भौतिकी का नोबल पुरस्कार, मदर टेरेसा शांति का, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र का। इस तरह आप याद रख लेंगे नाम। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से, अब तक के 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब तक के 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबल पुरस्कार, सबसे पहले मैडम क्यूरी, जॉन डीन, फेडरिक सेंगर और लीनस पॉलिंग। याद रख लीजिएगा कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबल पुरस्कार मिल चुका है, तो 4 व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। नाम याद रखिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1957 में इसकी शुरुआत की। रेमन मैग्सेस फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दी जाती है। देखिए जो रेमन मैग्सेस है वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, तीसरे नंबर के वो राष्ट्रपति थे, थर्ड टाइम राष्ट्रपति बने थे। इसकी शुरुआत 1957 में की थी। यह पुरस्कार 31 अगस्त को प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए उत्कृष्ट योगदान में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशिया का नोबल पुरस्कार किसे किया जाता है? तो रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबल पुरस्कार किया कहा जाता है। सर्वप्रथम विनोबा भावे को 1998 में यह पुरस्कार मिला था। सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? विनोबा भावे, सन 1998। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर प्राइज। साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के बाद दूसरी सबसे बड़ी पुरस्कार है। जी हाँ, साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के बाद दूसरी सबसे बड़ी पुरस्कार कौन से है? मैन बुकर पुरस्कार। नाम याद रखिए, यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। देखिए अंग्रेजी में जितने भी उपन्यास लिखे होते हैं उन पर यह मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। किन किन देशों को? राष्ट्रमंडल देशों को और आयरलैंड को। राष्ट्रमंडल देश आपको पता होगा, बहुत सारे जितने भी ब्रिटिश शासन थे जिस देशों में, वो राष्ट्रमंडल देश है। ठीक है, चल देखते हैं, अमेरिका के पुलित्जर पुरस्कार की तर्ज पर 1968 में इसकी शुरुआत की थी। अमेरिका के जो पुलित्जर पुरस्कार है उसी के तर्ज पर, उसी के आधार मान की इस पुरस्कार को की शुरुआत की थी 1968 में। ठीक है, 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब तक 5 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक 5 भारतीयों के पुरस्कार क्या हो चुका है? मिल चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, कलिंगा अवार्ड जिसे बोलते हैं। यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ की गई थी।
इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। याद रखिए नाम बीजू पटनायक के ही अध्यक्षता में प्रमुखता में ये कलिंग पुरस्कार जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान संचार जितने भी जो भी जो आविष्कार के हैं, विज्ञान को जो भी सरल बनाने की कोशिश की है, जिसे विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी काम किए हैं सरलता बनाने के लिए, उसके लिए यह कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ठीक, विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। देखिए, जो विजेता होते हैं जो कलिंग पुरस्कार प्राप्त करते हैं उसे 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक है और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में यह कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कौन से डेट को? 10 नवंबर को। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। अभी पढ़े थे पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत 1917 में शुरुआत की और अमेरिका प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया। जी हाँ, अमेरिका के जो प्रशासक थे, जो संपादक थे, उनके नाम पर यह पुलित्जर पुरस्कार रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है यह अवार्ड। हर वर्ष यह अवार्ड मिला जाता है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में उपलब्धियों के लिए। देखिए किस किस क्षेत्र में? पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में उपलब्धि के लिए। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है। किसे? पुलित्जर अवार्ड को। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने भी प्रकाशक हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जाती है। यह जो पुलित्जर पुरस्कार है अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑस्कर पुरस्कार। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत की सबसे बड़ी पुरस्कार है। जी हाँ, जो विश्व में पूरे जितने भी फिल्मी जगत है उनमें सबसे बड़ी पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। 1929 में स्थापित की गई थी इस पुरस्कार को। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोशन पिक्चर अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। प्रतिवर्ष किसके द्वारा? मोशन पिक्चर अकादमी द्वारा। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। जी हाँ, नाम याद रख लीजिएगा, भानु अथैया। कौन सी फिल्म के लिए? गांधी के लिए। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1992 में सिनेमा में जीवन भर उपलब्धियां के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। ठीक, मदर इंडिया ऑस्कर में नामित पहली फिल्म थी। जो मदर इंडिया फिल्म थी बहुत ही अच्छी फिल्म थी, वो ऑस्कर में पहली बार नामित कोई इंडियन फिल्म थी। नाम याद रखिए, मदर फिल्म पहली बार नामित हुई थी लेकिन ऑस्कर जीत नहीं पाई थी। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ग्रेमी अवार्ड को अमेरिका की संस्था नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस प्रतिवर्ष देता है। ठीक, भारत के 8 हस्तियों को यह अवार्ड मिल चुका है। ट्रॉफी में सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन बना रहता है। जी हाँ, जो ट्रॉफी प्रदान की जाती है ग्रेमी पुरस्कार में, उसमें पतले सोने की परत से क्या बना रहे थे? ग्रामोफोन बना रहता है। ठीक, पंडित रविशंकर यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अब तक 8 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। अब तक 8 भारतीयों को पुरस्कार मिल चुका है। पंडित रविशंकर जो थे पहले ग्रेमी अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।